नमस्कार, मेरा नाम राहुल है। इस वीडियो में हम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल्स के बारे में जान रहे हैं। तो आर्टिकल 31 तक हम कर चुके हैं, यानी कि जिसमें कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के बारे में जान चुके हैं। इसमें हम राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़ के बारे में जानेंगे, यानी कि आर्टिकल 32 से स्टार्टिंग करेंगे। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़, जिसका मतलब है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो चलिए चलते हैं। आर्टिकल 32, रेमेडीज़ फॉर एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट, यानी कि इस भाग के द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार, यानी कि लागू कराने के लिए उपचार। फर्स्ट पार्ट है इसका, द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट बाय अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द राइट कन्फर्ड बाय दिस पार्ट इज़ गारंटेड, यानी कि इस भाग के द्वारा प्रदत्त अधिकारों को लागू कराने के लिए समुचित कार्यवाही द्वारा उच्चतम न्यायालय में समावेदन कराने का अधिकार प्रत्याभूत किया जाता है। सेकेंड वाले में क्या लिखा है, सेकेंड वाले में द सुप्रीम कोर्ट शैल हैव द पावर टू इश्यू डायरेक्शन और ऑर्डर्स टू रिट्स, इंक्लूडिंग रिट्स इन द नेचर ऑफ हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोविशन क्यू, वारंटो, कैरिट, कार्टियोरी, विच एवर मे बी अप्रोप्रिएट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ एनी ऑफ द राइट कन्फर्ड बाय दिस पार्ट, यानी कि इस भाग के द्वारा जो अधिकार हैं में से उनको लागू कराने के लिए उच्चतम न्यायालय को ऐसे निर्देशों या आदेशों या रिट या इंजन के अंतर्गत बंदी या प्रतिषेध अधिकार उपरेषण रिट या जिसमें जो समुचित हो उसको निकालने की शक्ति होगी। ओके, थर्ड वाले में क्या लिखा है, थर्ड वाले में विदाउट थर्ड विदाउट प्रीजुडाइस टू द पावर्स कन्फर्ड ऑन द सुप्रीम कोर्ट बाई क्लूजेस फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी कि इसमें लिखा गया है कि जो उच्चतम न्यायालय है उनको जो खंड खा यानी कि क्लूजेस फर्स्ट और सेकेंड जो है उसके द्वारा शक्तियाँ या प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना। तो देखते हैं, आगे पढ़ते हैं, पार्लियामेंट में बाय लॉ एंड एम्पावर एनी अदर कोर्ट टू एक्सरसाइज विद इन द लोकल लिमिट्स और इट्स जुरिडिक्शन ऑल ऑफ एनी ऑफ द पावर एक्साइजेबल बाय द सुप्रीम कोर्ट अंडर क्लूजेस सेकेंड, यानी कि संसद उच्चतम न्यायालय द्वारा जो क्लूजेस सेकेंड है इसके अधीन किन्हीं या सभी शक्तियों को किसी अन्य न्यायालय को अपनी आधिकारिकता की स्थानीय सीमाओं के भीतर प्रयोग करने के लिए विधि द्वारा सशक्त कर सकेगी, ये इसमें लिखा गया है। फोर्थ वाले में देखते हैं क्या लिखा है, द राइट गारंटेड बाय द आर्टिकल शैल नॉट बी सस्पेंडेड एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड फॉर बाय दिस कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इस संविधान द्वारा अन्यथा उपबंधित या के सिवाय किसी मतलब अनुच्छेद द्वारा प्रत्याभूतित अधिकार निलंबित नहीं किया जाएगा, ये इसमें लिखा गया है। अब देखते हैं 32A, कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी ऑफ स्टेट लॉज नॉट टू बी कंसिडर्ड इन द प्रोसीडिंग अंडर आर्टिकल 32 ओमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ओमिटेड कर लिया गया है, 43rd अमेंडमेंट एक्ट 1977 ये ओमिटेड कर लिया गया है, तो इसको हम नहीं देखेंगे। आर्टिकल 33 पर चलेंगे, आर्टिकल 33 क्या है हमारा, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द राइट कन्फर्ड बाय दिस पार्ट इन देयर एप्लीकेशन टू फोर्सेस, यानी कि इस भाग के द्वारा जो अधिकार हैं उनका उनके बलों आदि का लागू होने में या उपांतरण कराने की संसद की जो शक्ति है उसके बारे में इसमें बताया गया है, किसमें, आर्टिकल 33 में। पार्लियामेंट में बाय लॉ डिटरमाइन टू व्हाट एक्सटेंट एनी ऑफ द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट शैल इन देयर एप्लीकेशन टू, यानी कि संसद विधि द्वारा अवधारण कर सकेगी इस भाग के द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से कोई, जैसे पहला है द मेंबर्स ऑफ ऑल आर्म्ड फोर्सेस, यानी कि सशस्त्र बलों के सदस्यों, द मेंबर ऑफ फोर्सेस चार्ज विद द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, यानी कि लोक व्यवस्था बनाए रखने के मतलब भार साधन करने वाले बलों के सदस्यों को, एंड द पर्सन एम्प्लॉयड इन एनी ब्यूरो और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड बाय द स्टेट फॉर पर्पजेज ऑफ इंटेलिजेंस और काउंटर इंटेलिजेंस, यानी कि आसूचना या प्रति आसूचना के प्रयोजनों के लिए राज्य द्वारा स्थापित किसी ब्यूरो या अन्य संगठनों में नियोजित व्यक्तियों को या फिर पर्सन एम्प्लॉयड और इन कनेक्शन विद द टेली कम्युनिकेशन सिस्टम सेटअप फॉर द पर्पजेज ऑफ एनी फोर्सेज ब्यूरो और ऑर्गेनाइजेशन रिफर टू क्लूसेस ए और सी, यानी कि जो क्लूसेस ए और सी हैं जो इसमें किसी भी बल या ब्यूरो या संगठन के प्रयोजनों के लिए स्थापित दूरसंचार प्रणाली में या उसके संबंध में नियोजित व्यक्तियों को लागू होने में किसी विस्तार तक निर्बंधित या किया जाएगा जिससे कि उन कर्तव्यों का उचित पालन या उसमें अनुशासन बना रहना सुनिश्चित रहे। ठीक है, अब देखते हैं आर्टिकल 34 में क्या लिखा गया है, आर्टिकल 34 है हमारा, रिस्ट्रिक्शन ऑन राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट वाइल मटेरियल लॉ इज इन फोर्स इन एनी एरिया। ओके,
आर्टिकल 34 है हमारा, द रिस्ट्रिक्शन और राइट्स कन्फर्ड बाय द पार्ट वाइल मटेरियल लॉ इज इन फोर्स और एनी एरिया, यानी कि इस भाग के, यानी कि जब किसी क्षेत्र में सेना विधि पर है तो तब इस भाग के द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बंधन, यानी इसके बारे में इसमें बताया गया है। देखते हैं क्या लिखा गया है इसमें। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन द फॉरगोइंग प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट, पार्लियामेंट मे बाय लॉ इंडेमनीफाई एनी पर्सन इन द सर्विस ऑफ यूनियन और ऑफ ए स्टेट और एनी अदर पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी एक्ट डन बाय हिम इन द कनेक्शन विद द मेंटेनेंस और रिस्टोरेशन ऑफ ऑर्डर इन एनी एरिया विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया वेयर मार्शल लॉ वाज इन फोर्स और वैलिडेट एनी सेंटेंस पास्ट पनिशमेंट इन्फ्लिक्टेड फॉर फेयर ऑर्डर और अदर एक्ट डन अंडर द मार्शल लॉ इन सच अ एरिया, यानी कि इसमें लिखा गया है कि इस भाग के जो पूर्वगात उपबंध हैं, प्रोविजन है, इसमें किसी बात की होती है भी संसद विधि द्वारा संघ या राज्य किसी राज्य की सेवा में किसी व्यक्ति की या किसी अन्य व्यक्ति की किसी ऐसे कार्य के संबंध में क्षतिपूर्ति कर सकेगी जो उसने भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी ऐसे क्षेत्र में जहाँ सेना विधि हो थी या व्यवस्था के बनाए रखने या पुनः स्थापित के संबंध में किया है या ऐसे क्षेत्र में सेना विधि के अधीन पारित दंड के आदेश या दिए गए दंड या आदिष्ट समय प्रहरण से किए गए अन्य कार्य को विधिमान्य कर सकेगी। तो इसके बारे में इस आर्टिकल 34 में बताया गया है। अगला आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 35, लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट, यानी कि इस भाग के जो उपबंध है उसको प्रभावी करने के लिए विधान। ओके, तो देखते हैं। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान की किसी बात के होते हुए भी ये वाला देखते हैं। पार्लियामेंट शैल हैव द एंड द लेजिस्लेशन ऑफ द स्टेट शैल नॉट हैव पावर टू द मेक द लॉस, संसद को शक्ति होगी कि किसी राज्य के विधानमंडल को शक्ति नहीं होगी कि वह फर्स्ट वाला विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द मैटर्स विच अंडर क्लोजेस थर्ड ऑफ द आर्टिकल 16 क्लोजेस थर्ड ऑफ द आर्टिकल 32 आर्टिकल 33 एंड आर्टिकल 34 में बी प्रोवाइडेड फॉर एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, यानी कि जिन विषयों के मतलब के लिए आर्टिकल 16 को क्लोजेस थर्ड एंड आर्टिकल 32 के क्लोजेस थर्ड एंड आर्टिकल 33 एंड 34 के अधीन संसद विधि द्वारा प्रोविजन कर सकेगी उनमें से किसी के लिए और थर्ड वाला पर प्रेस्क्राइबिंग पनिशमेंट फॉर दोज एक्ट्स विच आर डिक्लेयर टू बी ऑफेंसेस अंडर दिस पार्ट, यानी कि ऐसे कार्यों के लिए जो इस भाग के अधीन अपराध घोषित किए गए हैं दंड विहित करने के लिए। एंड द पार्लियामेंट शैल एज सून एज मे बी आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेक लॉज फॉर द प्रेस्क्राइबिंग पनिशमेंट फॉर द एक्ट्स रेफर टू द टू इन सक्लूसिव सेकेंड, यानी कि विधि बनाए और संसद इस संविधान के प्रारंभ के पश्चात यथाशक्य शीघ्र ऐसे कार्यों के लिए जो कि उपखंड सेकंड में निर्दिष्ट उपबंध मतलब सेकंड में है दंडभेद करने के लिए विधि बनाएगी। बी वाले में देखते हैं इसमें क्या लिखा है। एनी लॉ इन फोर्स इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द मैटर्स रिफर्ड टू द सब क्लोजेस फर्स्ट और क्लोजेस ए और प्रोवाइडिंग फॉर द पनिशमेंट फॉर एनी एक्ट रिफर टू एनी सब क्लोजेस सेकेंड ऑफ द क्लोजेस शेल सब्जेक्ट टू द टर्म्स देयर ऑफ एनी एंड टू एनी अडेप्शन एंड मॉडिफिकेशन दैट मे बी मेड देयर इन द अंडर द आर्टिकल 372 कंटिन्यूड इन फोर्स अंटिल द ऑल्टर्ड और रिपील्ड और अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट, यानी कि जो क्लोजेस फर्स्ट है उसके सब क्लोजेस फर्स्ट में जो विषय हैं उनमें से किसी से संबंधित या उससे जो क्लोजेस है उसके सब क्लोजेस सेकेंड में जो है किसी कार्य के मतलब जो सब क्लोजेस सेकेंड में जो है किसी कार्य के लिए दंड या उपबंध प्रोविजन कराने वाली किसी भी मतलब प्रवर्त विधि या जो भारत के राज्य क्षेत्र या उसके संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले लागू थी उसके निबंधनों के मतलब उसके अनुच्छेद आर्टिकल 372 के अधीन उसमें किए गए अनुकूलनों या उपांतरणों के अधीन होते रहते हुए भी उसके मतलब लागू रहेगी जब तक उसका संसद द्वारा परिवर्तन या संशोधन नहीं कर दिया जाता। ओके, एक्सप्लेनेशन। इन दिस आर्टिकल एक्सप्रेशन लॉज इन फोर्सेज हैज सेम मीनिंग इन द आर्टिकल 372, यानी कि इस अनुच्छेद में जो प्रवर्त विधि है लागू करने की विधि का पद जो है वही अर्थ है जो कि आर्टिकल 372 में है। ओके, तो इस वीडियो में यहीं तक। इसकी अगली वीडियो में हम देखेंगे पार्ट 4 यानी कि राज्य के नीति और निदेशक तत्व, यानी कि आर्टिकल 36 से हम स्टार्टिंग करेंगे। धन्यवाद।